राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कहा ठग। योगी आदित्यनाथ पर राहुल गांधी का सबसे बड़ा हमला। राहुल ने कहा योगी नहीं है धार्मिक नेता। राहुल गांधी ने कहा वह एक मामूली ठग हैं। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि राहुल ने योगी को लेकर क्या कुछ कहा। राहुल गांधी ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कुछ कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। दरअसल सामाजिक संगठनों के भारत जोड़ो यात्रा के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा, सीएम योगी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वह जो करते हैं वो नहीं करते, वे अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। राहुल ने आगे कहा, वे धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग हैं। दरअसल इस कार्यक्रम में राहुल गांधी से सवाल किया गया था कि उत्तर प्रदेश में जो धर्म की आंधी चल रही है इस स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी। राहुल ने इसका जवाब देते हुए कहा, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी है, यह धर्म नहीं है। मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा है, यहूदी धर्म के बारे में पढ़ा है और बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ा है। हिंदू धर्म तो मैं समझता ही हूं। कोई धर्म नहीं कहता कि नफरत फैलाओ। यूपी में बीजेपी जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने कहा कि जैसे ही व्यक्ति तपस्या करना बंद कर देता है तो उसके लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कांग्रेस तपस्वियों की पार्टी है जबकि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके विपरीत हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि ये छोटा और पहला कदम है, आगे और भी प्रयास किए जाएंगे। बता दें कि यूपी में रामचरितमानस पर पिछले दिनों विवाद जो शुरू हुआ था उस पर लगातार बयानबाजी जारी है। उधर राहुल गांधी के इस बयान पर अब बवाल मच गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल पर कड़ा पलटवार किया है। मौर्य ने कहा, राहुल गांधी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो निंदनीय है, उन्हें बयान वापस लेना चाहिए। आपको बता दें कि रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले विवादित टिप्पणी की थी जिसके बाद से ही यूपी में घमासान मचा हुआ है। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से ये मामला और तूल पकड़ लिया है। मोहन भागवत ने कहा कि जाति को भगवान ने नहीं बनाया बल्कि इसे पंडितों ने बनाया है और इसके बाद से ही अब सपा जो है वो बीजेपी पर हमलावर हो गई है और कह रही है कि बीजेपी और आरएसएस जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो खुद अपने ही सवालों में घिर रहे हैं। और इसी बीच राहुल गांधी का सीएम योगी पर ये जो बड़ा बयान आया है, जो आरोप लगा है, उसको लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने हैं।